फंस गए। कैसे मतलब? पानी आ गया एकदम। फिर क्या किया? काशी ने पेड़ पे चढ़ गए। फिर कब तक लड़े रहे? 48 घंटा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुशवाहा और ये व्लॉग देखते हैं दोस्तों। इसलिए है इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी संगत में बाढ़ आई हुई थी उसमें एक इंसान की ऐसी कहानी है जो बहुत ही दर्द बयां करती है। लगभग 48 घंटे तक वो दो मतलब नदी के बीच में एक पेड़ पर रुके रहे 48 घंटे, उनका कहना है। अब उन्हीं से मैं आपको बात कराऊंगा। और दोस्तों उसके बाद में फिर उनको बचाया गया, मतलब 48 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पहले हम शख्स से मिलते हैं, उसके बाद फिर मैं और बातें करता हूँ आपसे। कौन से गाँव के हो? एरावन के। और रात में क्या हुआ उस दिन? नदी में फंस गए। कैसे मतलब? पानी आ गया एकदम। फिर क्या किया? काशी ने पेड़ पे चढ़ गए। फिर कब तक लड़े रहे? 48 घंटा। और बचा कपड़े वपड़े काशू सब का पूरा अभी तक बेचारे का ना ही नहीं रहा कतई। कितने नहीं आते? 5-6 लोग। कितनी देर तक भूखे रहते आप लगातार? 48 घंटा भूखे पानी पेड़ पे ही। मोड़ी मोड़ कोई मैं ताज मानता हूँ, 48 घंटा खाना नहीं मांगा भाई साहब। तुम्हारे बच्चे ही थे? नहीं, बटिया वाले की मोड़ी थे। अच्छा, भगवान कसम 48 घंटा नहीं मांगा उसने खाना। और नीचे उतारे वो गेट बंद भाई, भूख लग रही है खालू को सही नहीं मचाई शेख शेख। तुम्हारी कसम नई जिंदगी भैया आने कर लेंगे। बीच थे पानी ऐसे बीच में तुम थे? हाँ बीच में, बिल्कुल करेक्ट बीच में। और पेड़ टूट गया तो गई खत्म जिंदगी, पेड़ ने बचा लिया। मैं देखा ना, मैं तो इतने दूर तक बाबू मैं बह भी गए थे तुम? हाँ भाई गो मैं तब तो जी चलाई हो जी। देखियो देखो देखो याद देखो याद देखा ना जी देखो और जी देखो जी जी देखो जी देखो पूरी पूरी टूटी गई है जी देखो। नहीं यार भाई साहब जी देखो छाती समझ चली है जी, पीठ चली होगी पीछे पूरी। अरे भाई साहब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है जो तो यार। हाथ तो मार दो, आदत कही है ये भाई से चले पूरे जगह से चले हैं। और नदी में बब गए थे से? हाँ